Good morning, student. I am Jaya Sharma. Today I will explain you about interprocess communication. Interprocess communication is the mechanism provided by the operating system that allows the process to communicate with each other. यानी जो multi-programming operating system होता है, वो multiple process को allow करता है और वो concurrently run होती है one processor के through. लेकिन अगर वो process आपस में communicate करती है, तो वो process की condition cooperative conditions होती है. प्रोसेस दो तरीके से एग्जीक्यूट होती है. फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रोसेस जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है, तो कोई अदर प्रोसेस उसमें अफेक्टेड नहीं होती है. एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस. सेकंड, कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो होती है वो प्रोसेस किसी अदर प्रोसेस के एग्जीक्यूशन से अफेक्टेड होती है. जैसे एग्जाम्पल में हम देखें कि अगर मल्टीपल प्रोसेस हैं जिन्हें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, यानी एक से ज्यादा प्रोसेस हैं जिन्हें एक सिंगल रिसोर्सेज चाहिए, तब वो एग्जीक्यूट हो सकती है. तो उन प्रोसेस को आपस में कोऑपरेट करना होगा उस रिसोर्सेज को यूज करने के लिए. सपोज कोई प्रोसेस है उस रिसोर्सेज के थ्रू एग्जीक्यूट हो रही है, तो सेकंड प्रोसेस को तब तक उस रिसोर्स का वेट करना होगा जब तक वो फ्री नहीं हो जाता. तो द कम्युनिकेशन बिटवीन दीज प्रोसेस कैन बी सीन एज अ मेथड ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन देम. तो ये जो मेथड होती है प्रोसेस के बीच में कोऑपरेट करना, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, यही इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है. जिसे हम देखते हैं कि प्रोसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग दिस टू वे. दो तरीके से ये प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करती है. फर्स्ट शेयर्ड मेमोरी, सेकंड मैसेज पासिंग. जैसे हम डायग्राम में देखते हैं कि कोई प्रोसेस है, प्रोसेस वन और प्रोसेस टू. सपोज ये कोई रिसोर्सेस आपस में शेयर करना चाह रही हैं, तो ये आपस में कोई मेमोरी शेयर करके भी इंटरवल कम्युनिकेट कर सकती हैं, या मैसेज पासिंग के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकती हैं. यानी प्रोसेस पी वन सपोज कोई मैसेज पास कर रही है, तो लाइक सेंड का सिग्नल पास करती है और वो मैसेज प्रोसेस पी टू को रिसीव होता है और प्रोसेस पी टू उसे रिसीव करती है. जिसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में कोऑपरेटिव प्रोसेस कंडीशंस होती हैं, उसमें अगर हम एग्जाम्पल फॉर एटीएम मशीन, जिसे एटीएम एक सिंगल रिसोर्स है जिसे मल्टीपल यूजर्स यूज करना चाहते हैं, तो जब एक यूजर उसे एक्सेस करता है या उसमें एटीएम को यूज करता है, तब तक दूसरे यूजर जो होता है उसे वेट करना होता है. तो इस टाइप से मल्टीपल यूजर उसे यूज करते हैं पर साइमल्टेनियसली करते हैं. तो ये होती है, इस टाइप से कोऑपरेटिंग प्रोसेस होती है कि जब तक एक प्रोसेस खत्म ना हो जाए तब तक दूसरी प्रोसेस उसे एक्सेस नहीं कर सकती. वैसे ही इंडिपेंडेंट प्रोसेस का अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो अगर कोई यूजर किसी बैंक को से नेट बैंकिंग कर रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो दूसरा यूजर अपने नेट बैंकिंग के थ्रू उस जो बैंक से अपनी नेट बैंकिंग या ट्रांजेक्शन कर सकता है जो इंडिपेंडेंट है, और एक यूजर के एक्सेस करने से दूसरा जो यूजर होता है वो अफेक्टेड नहीं होता है. तो इस तरीके से इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में और इस तरीके से कोऑपरेटिंग करने में प्रोसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होती है, जिसका सॉल्यूशन हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन या सीमाफोर के थ्रू देखते हैं. थैंक यू सो मच.